एसिडिटी का कारण, लक्षण, यौगिक एवं घरेलू उपचार। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। एसिडिटी, जब भोजन को पचाने वाला एसिड जरूरत से ज़्यादा बनता है तभी हमको एसिडिटी होती है, और इसके मरीज भी आज घर घर आपको मिलेंगे। जिस तरह शुगर के, ब्लड प्रेशर के मरीज घर घर मिलते हैं, उसी तरीके से जिससे बोलो मुझे एसिडिटी होती है, डॉक्टर के पास जाएंगे मुझे बहुत एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी क्यों होती है, इसका कारण तो मैंने बता दूँ आपको। इसका कारण मुख्य रूप से हमारी गलत लाइफ स्टाइल और गलत आहार है। लाइफ स्टाइल में हम व्यायाम नहीं करते, इसके अलावा हम बेसमय सोते उठते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, और भूख नहीं हो तो भी हम खा लेते हैं। तो काम, हम उसको भोजन को भी एक काम समझ रखे हैं कि चलो भाई समय हो गया, खाओ पियो, काम खत्म करो, फिर कुछ भी बड़ी दिक्कत हो तो ऐसा नहीं है। मैं आपको कारण आपको ढंग से बताऊं कि एसिडिटी का मुख्य कारण है तला भुना मसाले वाला खाना और भूख से अधिक खाना, और कम फाइबर वाला खाना जिसमें फाइबर नहीं हो, और इसके अलावा लंबे समय तक भूखे रह जाना। कई लोग सुबह से शाम तक भूखे, फिर एक समय सीधे लेट खाना खाते हैं, या फिर बहुत लेट नाइट खाना खाना, खाना पचता नहीं लेट नाइट खाने में, तो या शराब और धूम्रपान का बहुत अधिक उपयोग करना, मांस का प्रयोग करना, ये सब चीज़ें तो जो है, और नींद कम लेना, ऐसी चीज़ों के कारण अक्सर एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी हो जाए तो आपको देखिए मालूम क्या पड़ेगा, एसिड जो बन के ऊपर भोजन नली में आता है तो एसिड रिफ्लक्स जिसे कहते हैं, तो वो एकदम गले में आने लग जाता है, तो आपकी भोजन नली में भी जलन होती है, हार्ट में भी जलन होती है। ये जलन की समस्या तो है ही, इसके साथ साथ आपको बेचैनी, कब्ज, बहुत सारी गैस बनती है, डकार आती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब जब आपको ऐसा हो रहा है तो आपको लगता है कि अब क्या करें, तुरंत आपको कुछ चाहिए, लेकिन मैं आपको उसमें बताऊं, योग के अंदर भी अगर आप रोज प्रतिदिन यौगिक अभ्यास करते हैं तो खाना ढंग से पचेगा, आपको दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अभी जब बन रहा है तो मैं आपको बताऊं, इसमें योग के अंदर आसनों के अलावा शुद्धि क्रियाएं भी है। शुद्धि क्रियाओं में कुंजल क्रिया एसिडिटी को जड़ से दूर करती है। आप बिना नमक वाला पानी सुबह गुनगुना पानी 4-5 गिलास एक साथ पी लें, और पी करके बिना कुछ खाए पिए, और उसे पानी पी लेने के बाद उल्टी करके निकाल दें, उसके संग एसिडिटी एसिड जो है बाहर निकल जाएगा, तो आपको फिर एसिडिटी नहीं होगी। फिर लगातार इसको कुछ दिन लगातार करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप बिना डॉक्टर के, बिना योगी जो टीचर हैं योगा के, उनसे बिना पूछे, बिना उनके सानिध्य में किए नहीं करेंगे आप। बाकी लोग कर सकते हैं, क्योंकि बिना नमक वाला पानी है तो आपको दिक्कत नहीं देगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इसका बहुत अच्छा है। इसमें खास करके शीतली प्राणायाम भी आपके अंदर ठंडक देते हैं, आपकी हीट को बाहर करते हैं, जिससे भी एसिड कम बनता है। तो ये जब मैं आसन के बनाऊंगी एपिसोड, जब वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको उसमें बता दूंगी। आज मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बता रही हूँ। इन घरेलू उपायों में आपको सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिसमें से जो अच्छा लगे, जिससे आपको आराम हो जाए, आप उसे ही अपना लें। सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी जो हर कोई कर सकता है, नारियल पानी सुबह जिसमें आधा नींबू निचो के पिए। नारियल जैसे ही आप छिलवाते हैं उसमें आधा नींबू निचो लें, अब उसको आराम से सिप करके पी लें, तो ये आपको फिर पूरे दिन एसिडिटी होने ही नहीं देगा। और ऐसे ही सुबह सफ़ेद पिठे का जो जूस है वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, वो एक चमत्कारिक औषधि है। अगर आप सुबह 3 हिस्सा जूस और 1 हिस्सा उसमें पानी मिला लें और उसको आप पिए, 8-10 दिन लगातार, 15 दिन लगातार पी लें, तो एसिडिटी आपको नहीं होगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों को जॉइंट्स पेन है, आर्थराइटिस, गठिया है, उनको पीने से हो सकता है उनका दर्द बढ़े, तो फिर ये उनके लिए सूटेबल नहीं होगा। इसके अलावा संतरे का रस,
जिसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर हो, थोड़ा सा सेंधा नमक हो, वो भी सुबह अगर आप पीते हैं तो सुबह पिया हुआ ये आपके एसिडिटी को समाप्त करता है। और इसके अलावा अदरक का रस, ये तो कभी भी कोई भी ले सकता है, अदरक का रस और पुदीने का रस बराबर मात्रा में निकाल के दिन में दो बार आप आराम से लें तो ये भी आपके एसिडिटी को ख़त्म करता है। और इसीलिए इसमें से किसी को मना नहीं है, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है तो एसिड नहीं बनने पाता है। और आराम से इसको दो तीन बार लेना है, भोजन के बाद दोनों समय एक एक लौंग, ये भी किसी को मना नहीं है, आप आराम से एक एक लौंग चूसे, चूसना है केवल, उसका जो रस जाएगा वो आपके एसिडिटी को समाप्त करेगा, नहीं बनने देगा। और ऐसे ही भोजन के बाद एक डली पुरानी गुड़ होनी चाहिए, कम से कम एक साल पुराना गुड़ हो, बस एक छोटी डली उसे चूसिए। खाली चूसने से देखिए एसिडिटी में आराम नहीं आएगा, गैस नहीं बनेगी और ये आपके हार्ट को भी ताकत देगा, क्योंकि जो जिन लोगों का हृदय कमज़ोर हो जाता है इसके उससे उनको ताकत मिलती है। और जो मुंह के अंदर छाले हो गए तो छालों की भी समस्या को ये दूर करता है, गैस, मुंह के छाले, ऐसे सारी समस्याओं को एक छोटी डली गुड़ के केवल वो आपको लेना है। इसके अलावा आप सौंफ का पानी उबाल के ले सकते हैं, सौंफ का पानी उबालें और उसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, और उस मतलब गुनगुना हो या ठंडा हो, अब उसको दिन में दो तीन बार पीजिए थोड़ा थोड़ा करके, तो ये भी आपके एसिडिटी को दूर करता है। इसके अलावा सौंफ की चाय भी बना के ले सकते हैं, सौंफ उबाला, अरे पुदीने का पानी भी आपको, इसी तरह पुदीने की भी चाय बनती है, उसको भी आपको ठंडा करना रहता है, और उस पुदीने की चाय को भी थोड़ा थोड़ा करके दिन में दो तीन बार लेना है, सौंफ का, पुदीने का, ऐसा इन लोगों का पानी भी एसिडिटी को दूर करता है। और अब मैं आपको बताऊं, सौंफ, जीरा, धनिया, गुलाब की पत्ती और मुलेठी, मुलेठी या तो पाउडर ले लें या स्टिक आती है उसे कूट लें, मेरे यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी स्टिक आती है, और उसे एक स्टिक को कूट लें और इनके संग उबाल लें। अब इस पानी को भी दिन में दो तीन बार थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, आप देखेंगे एसिडिटी से बहुत जल्दी दूर हो रही है। एसिडिटी की मैंने आपको जितनी दवाएं बताई हैं आधे से ज़्यादा तो ऐसी हैं कि हर कोई ले सकता है, किसी को मना नहीं है, और तुरंत असर करती हैं, तुरंत ही, बहुत लोगों पर अजमाई हुई है तभी मैं आपको आज बता रही हूँ कि आप लेके देखिए और एसिडिटी आपकी जड़ से दूर हो जाएगी। एक उपाय और बताती हूँ जो बहुत अच्छा है, आपको क्या करना है, शाम के खाना खाने के आधे घंटे बाद छोटी हरड़ का जो चूर्ण है सिर्फ हाफ टी स्पून लेना है, छोटी हरड़ का चूर्ण हाफ टी स्पून आप पानी के संग ले लें, और तीन दिन केवल लेना है बस, एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी 100%। इसमें जितनी सारी दवा बताइए, मोस्टली लौंग से भी यही होता है, सब दवाएं आपको तुरंत असर करती हैं और हमेशा के लिए अधिकतर दवाएं दूर कर देती हैं एसिडिटी। तो मैंने आपको जो आज बताया है, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और मेरे वीडियो चैनल को पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका एक सब्सक्राइब मेरे उत्साह को बढ़ाता है। अभी मैं कुछ दिनों से नहीं बना पा रही थी कि मेरे घर में गेस्ट भी आए हुए थे और कुछ मेरी डॉग की तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं उसमें बहुत व्यस्त थी। आज मैंने सोचा कि मैं आपको, किसी एक व्यूअर का था कि आप मुझे एसिडिटी की दवा बताइए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मुझे जो कुछ याद था मैंने आपके लिए बना के शेयर कर दिया है। तो प्लीज़ शेयर आप भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरा आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।